दबंग मशीनों से करा रहे मनरेगा के काम, ग्रामीणों का काम न मिलने से हो रहा पलायन। एक साथ कई अफसरों के ऑडियो वायरल, एक दूसरे पर टाल कर झाड़ रहे पल्ला। टीकमगढ़ की मोहनगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिंदारी में दबंग लोगों के द्वारा फर्जी और जेसीबी एवं एलएनटी मशीनों के द्वारा ग्राम पंचायत के कार्य कराए जा रहे हैं। यहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि आज तक जो भी कार्य किए गए हैं गाँव में, वो सभी काम मशीनों के द्वारा किए गए हैं और फर्जी तरीके से राशि निकाल कर अपनी जेब भरते हैं। यहाँ के लोगों के पास जमीन ना होने के कारण खेती भी नहीं कर पाते, जिससे गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को मजदूरी भी नहीं मिलती और अपने जीवन यापन भरण पोषण के लिए बाहर पलायन करना पड़ता है। जब इसकी शिकायत अधिकारियों से की जाती है तो आप भी सुनिए क्या कहा उन्होंने। जब शिकायतकर्ता ने SDM को फोन लगाया तो उन्होंने कहा, हम दिखवाते हैं। हेलो हेलो, आप SDM बोल रहे का? और लगाया होगा तो बोल रहे भैया। सर है तो हमारी पंचायत में 3 दिन से जीजीवी चलाई जा रही है बराबर राजेश। चलो कहाँ पे? बिंदारी। चलो दिखवाते। ठीक है सर। इसके बाद शिकायतकर्ता ने जिला CEO को कॉल किया तो उन्होंने पूरी घटना को नकार दिया, कहा ऐसा भी कार्य नहीं चल रहा है। तो हेलो सर, क्या आप जिला CEO बोल रहे हैं? नहीं बताओ। जल्दी बताओ, काम बताओ। सर ये है हमारी ग्राम पंचायत बिंदारी में जेसीबीओं से 3 दिन से बराबर काम कराया जा रहा है। जेसीबी वालों कोई काम ही नहीं है सर। वो टैंक वगैरह है, कोई ऐसी योजना है? नहीं नहीं कोई योजना नहीं है। चल रही है सर, 3 दिन से पंचायत में जेसीबी चलाई जा रही। आप हमें व्हाट्सएप करिए, पता करिए कौन सी योजना काम है, भेजे उसको जनपद। हाँ। तो भेज देंगे बिदारी में। हाँ, आप भेजिए व्हाट्सएप करिए, लिख के भेजिए तो उसको लिख भी देना कौन सी पंचायत है, कौन सी योजना काम है। हाँ सर ठीक है। ठीक है। यहाँ पर कौन झूठ बोल रहा है, इतना तो कैमरे में कैद हुई घटना से स्पष्ट हो जाएगा। जब मोहनगढ़ तहसीलदार को कॉल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिला CEO को बोलिए या खनिज अधिकारी को बताइए, यह उनका काम है। हेलो। हेलो सर। हाँ भाई जी, हमने मोहनगढ़ तहसीलदार साहब को लगाया है। आप तहसीलदार साहब बोल रहे? बोल ही रहा हूँ, बोल रहा हूँ। सर हमारी ग्राम पंचायत बिंदारी में पंचायत के कामों में 3 दिन से बराबर जीसीबी चलाई जा रही है। हाँ, हाँ। ये तो CEO को बोलो भाई, आप है ना CEO को बोलिए। और इसमें सर ये वन मतलब खनिज विभाग की टोजा पे भी चलाई जा रही है। खनिज विभाग तो खनिज विभाग को बोलो भाई, सब खनिज विभाग को बताइए जी, है ना। खनिज विभाग को बताइए, हमें सुबह पता लग गया था। हमने पता लगाया कि भाई क्या कौन कर रहा, तो उनका पंचायत कर रही। अब पंचायत कर रही तो पंचायत तो CEO को देखना चाहिए कि भाई हमने मजदूरों से करवाना है कि मशीनों से करवाना है, क्या करवाना है। ठीक है सर, हमने आपको समझा कि आपसे कहें, हमने तो पता चल गया था सुबह हमें। ठीक है ठीक है। जब टीकमगढ़ PO से बात की गई तो उन्होंने कहा थाने में जाकर शिकायत करा दो और जब्ती करवा दो। हेलो। हेलो सर, हमने CEO साहब को लगाया, आप CEO साहब बोल रहेगा? नहीं मैं PO साहब बोल रहा हूँ, CEO साहब तो नहीं। PO साहब कौन? जतारा टीकमगढ़। टीकमगढ़ सर हमारी ग्राम पंचायत बिंदारी में। हाँ। 3 दिन से लगातार जीसीबीओं से काम कराया जा रहा है, ट्रैक्टरों से। तो यार जब्ती करवा दो ना भैया वहाँ से, थाने में FIR करके उनकी। सर हमने आपको सूचित किया, आपके विभाग का काम है, पंचायत द्वारा कराया जा रहा है। भाई पंचायत का कराया जा रहा है तो पंचायत में आप शिकायत कर रहे हो तो आप थाने में FIR करवा दो। क्या है सर, उनको नेताओं की छाप है इसलिए कोई यहाँ पे कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही। बिदारी आपका सब इंजीनियर कौन है? सर वे इंजीनियर तो पहले तिवारी जी थे, अब दूसरे आ गए जो भी हो। हाँ चलो हम लगाते उनको। ठीक है सर। इस मामले में आवेदक द्वारा कई अधिकारियों से बात की गई लेकिन इन भ्रष्ट घूसखोर अधिकारियों के द्वारा चालम टोल किया जाता रहा। कार्रवाई के नाम पर तो वे आश्वासन देते हैं या अपनी जेब भरते हैं। अब जरा ग्रामीणों की भी सुन लीजिए कि वह किस कदर प्रताड़ित हैं और मजदूरी की बाट जो रहे हैं। कौन सी बिंदारी पंचायत के हो? बिंदारी पंचायत के हैं। यहाँ पर जितना भी काम हुआ है सब फर्जी काम हुआ है और जितना भी अवैध भी वैध मानस मर्म में जीसीबी का उपयोग हो रहा है
और हम लोगों के पास जमीन है नहीं और मजदूरी सही समय पर नहीं मिल पा रही है और जिसमें बिजली का बिल भुगतान करने में अनसमर्थ हूँ। मैं तो यार आपकी क्या समस्या है? मजदूरी कार मजदूरी लगनी है जी, मशीन से काम लगा जी लोग। कौन सी मशीन चला रहे हैं जी? जो है माटी खुदी उसके ट्रैक्टर जी ढोबरा जी। मशीन कौन सी चल रही जी? जभी जी जी सी पी को कार को। काय में चल रही छू, काय के काम में जब इस पे चल रही जब लगी जे तलंजन के काम का आवे जे ओए ते जे ते रोड भी खोला को काम बया को ते कुक मजदूर को नहीं जो आपका 800 जे आदमी हम कह के मस्कम करा को ना आदिवासी पंचायत। ये समस्या है कि जो जितने भी काम हुए हैं वो सब मशीनों से करा रहे हैं, वो जो तलंगियों के काम, और हम लोगों से बहुत कम करा रहे हैं और पैसे भी फर्जी निकाल रहे हैं जॉब कार्डों की। और जो जे सरपंच हैं वो नहीं चलाते, अब दूसरे चलाते हैं, वो दबंग लोग चलाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिकारी अपनी मनमानी तरीके से काम करते हैं और इन पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। ऐसे अधिकारियों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। जब इस संबंध में मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो अधिकारी कैमरे के सामने से भागते हुए नजर आए। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए टीकमगढ़ से सुधीर पटेरिया की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।